इमाद वसीम ने तो कल बहुत ही ज़्यादा जुल्म कर दिया कि उन्होंने सिगरेट पी ली सबके सामने, लोगों को नज़र आ गया। शाहरुख खान 2012 में जयपुर के स्टेडियम में सिगरेट पी रहे थे, उनके ऊपर फ़ाइन हुआ, उनको स्टेडियम से निकाला गया और उनकी जो कोर्ट ने उनको बुलाकर उनके ऊपर फाइन किया। ये बहुत बेवकूफ़ी करे इस तरह की चीज़, पता है, देखें आप रोल मॉडल, फिर कैमरे ने भी उनको पकड़ लिया, कैमरामैन भी ऐसे टाइम पे बिल्कुल रेडी बैठा हुआ था, मुझे लगा रोल मॉडल है आप। इमाद वसीम को जनाब ड्रेसिंग रूम के अंदर सिगरेट दिया किसने, सो वो जो कल्प्रेट है उसको पकड़ना चाहिए। और ये चीजें अलाउ कैसे हुई, और वो पहली दफा हमने किसी प्लेयर को ड्रेसिंग रूम में ड्यूरिंग मैच और फाइनल मैच स्मोकिंग करते देखा, हाउ यू सी दिस? ये किसी की शरारत थी कि कैमरा उधर लेकर गए, किसी की मुखबिरी थी कि कैसे इमाद वसीम जो है वहां पर, वो ये बिल्कुल खिलाफ कानून है, पीएसएल के प्रोटोकॉल जो है उनको तोड़ रहे थे। और वहां पर जनाब अफतारी के बाद जिस तरह से जो अक्सर स्मोकर्स हैं वो सूटे के लिए जाते हैं ना, तो यही इमाद वसीम सब कर रहे थे और सूटा लगा रहे थे। जय हिंद दोस्तों, पीएसएल का फाइनल मैच जिसमें इमाद वसीम ने 5 विकेट लेके उन सब पाकिस्तानियों को मुंह बंद कर दिया जो इमाद वसीम को बुरा भला कहते थे और रिटायरमेंट लेने में मजबूर कर दिया था उन्हें। और वहीं जब 5 विकेट लेके वो ड्रेसिंग रूम में गए तो उन्हें स्मोकिंग करते हुए देखा गया और कैमरामैन ने भी उसी टाइम इमाद वसीम जब स्मोकिंग कर रहे थे उसी टाइम फोकस कर दिया। अब कोई पीएसएल की बात नहीं कर रहा फाइनल में कितनी विकेट ली, किसने कितने रन मारे, सिर्फ इमाद वसीम के स्मोकिंग के ऊपर बात हो रही है। और ये बहुत गलत किया इमाद वसीम ने कि एक लाइव मैच के दौरान जिसे हर कोई देख रहा था पाकिस्तान में, और ये बहुत ही गलत इंपैक्ट गया होगा जो यंग प्लेयर होंगे कि उनको क्या सीख दे रहे इमाद वसीम कि ड्रेसिंग रूम में आके स्मोकिंग करो। और अभी तक कोई जुर्माना नहीं लगा इमाद वसीम में, और यही अगर दूसरा कोई बोर्ड होता अभी तक प्लेयरों पे मैच फीस का जुर्माना लग चुका होता, क्योंकि पहले भी कई प्लेयरों पे जुर्माना लगाया स्मोकिंग के ऊपर और बहुत बड़ा जुर्माना लगाया इमाद वसीम पे, अभी तक कोई फैसला ही नहीं किया पीसीबी बोर्ड ने। वरना आप देखोगे कि शाहरुख खान ने भी 2012 में स्मोकिंग करी थी, उन पे भी जुर्माना लगा था और उन्होंने माफी भी मांगी थी इस चीज के ऊपर। अब देखना यह रहेगा कि इमाद वसीम क्या सफाई देते हैं इस बात में। अब कैमरे में आके चले देखते हैं पाकिस्तान मीडिया क्या कह रही है। सुपर लीग का फाइनल हो गया, इमाद वसीम का ड्रेसिंग रूम में बैठ के सिगरेट लगाना हम सब ने टीवी पे देख लिया। तो इमाद का ये बहुत पुराना मशगला है स्मोकिंग करना, विद इन द टीम करना, विद इन द ड्रेसिंग रूम करना, विद इन द कैंप करना, ठीक है। वो सिर्फ इतना ये बख्श देते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट को कि ये बाउंड्री के अंदर जो ग्राउंड होती है, ग्रास जो होती है, वहां पे हर ये चीज नहीं जाती, बट बाहर ड्रेसिंग रूम के अंदर, ड्रेसिंग रूम के वॉशरूम्स के अंदर, ड्रेसिंग रूम के राइट लेफ्ट के अंदर, भाई ऐसे बहुत सारी जगहों पे देखे गए कि ये बाहर खड़े होकर स्मोकिंग भी कर रहे होते थे और ओपनली स्मोकिंग करते हैं। ठीक है, उनकी आदत है, लेकिन आप स्पोर्ट्समैन हो, आपको बहुत सारे बच्चे आइडियलाइज करते हैं, आपको लाखों लोग टीवी पे देख रहे होते हैं, और स्मोकिंग जो है वो उसको आपने डिस्करेज करना होता है। अगर आपने स्मोकिंग करते भी हो तो आपको प्राइवेटली करनी चाहिए। आप एक इंटरनेशनल मेयार की लीग के अंदर आप ड्रेसिंग रूम में बैठ के और दौरान मैच आप अभी 5 विकेटें लेके गए हो, और मैं क्योंकि स्मोकिंग करता हूँ मैं वो तलब महसूस कर सकता हूँ, लेकिन आपको एहतियात करनी होती है, आप हैं कहाँ पे, आप कर क्या रहे हैं, और ब्रॉडकास्टर्स ने उसको टीवी पे चला दिया है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जब ये मैं बात कर रहा हूँ अभी तक उसके ऊपर कोई जुर्माना, यार आपको कम से कम एग्जांपल तो सेट करनी चाहिए। आज टीवी के ऊपर ऑन एयर इंटरनेशनल मेयार की लीग के फाइनल के अंदर सिगरेट ऑन एयर जा रहा है, एक बंदा कश लगा रहा है ड्रेसिंग रूम के अंदर बैठ के, आप उसको डिस्करेज नहीं करोगे तो कल को फिर कोई और पिएगा, आप फिर उसको जो है वो उसको छोड़ दोगे। इवन जहां इमाद वसीम की परफॉर्मेंस नो डाउट बहुत 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 अच्छी जा रही है, वहीं आज उनकी एक सिगरेट पी थी जो क्लिप है वो अभी सोशल मीडिया पे ऐसे वायरल हो रही है जैसे पता नहीं क्या हो गया। आप कैसे देखती हैं, क्योंकि ठीक है स्मोकिंग तो किसी तो सूरत सही नहीं है, लेकिन ये हेल्थ हैजर्ड है, ये इंसान के अपने ऊपर है कि भाई ठीक है उसको खुद पता होना चाहिए कि हेल्थ हैजर्ड्स हैं, कोई वो ऐसा नाजायज काम करते हुए नहीं गए, लेकिन मैच के दौरान करते हुए देखे जाने को किस तरह देखती हैं आप? बिल्कुल थोड़ी गलत बात है, देखिए वो ड्रेसिंग रूम में अगर कर रहे थे तो उनको ये बात पता होनी चाहिए कि ड्रेसिंग रूम में भी कैमरा आता है, तो अलाउ नहीं होता वैसे, नहीं अलाउ नहीं होता। देखिए बीइंग ए स्पोर्ट्स पर्सन आप इस चीज को इतना प्रमोट नहीं कर सकते क्योंकि ये हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, तो आप एज ए स्पोर्ट्स पर्सन आप कैसे इस चीज को करोगे प्रमोट, और आप एम्बेसडर और इस वक्त सारी पाकिस्तान की जो हाईलाइट है वो आप हुए हैं, जितने यंगस्टर्स हैं वो आपको एज अ रोल मॉडल देख रहे हैं, तो फिर आपकी ऐसी पिक्चर सामने आ जाए तो इससे आपका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। बेशक वो कर सकते हैं जाके बिहाइंड द कैमरास करें, लेकिन ड्रेसिंग रूम में नहीं करनी चाहिए थी, ये उनका थोड़ा सा अनएथिकल बिहेवियर कि कोई दो नंबर काम करते हुए नहीं पाएगा, पर्सनल मैटर रहता है इंसान का, पर्सनल मैटर उनका, लेकिन ड्रेसिंग रूम में करते हुए पाए जाना, अब ये सोशल मीडिया पर बुरी तरह वायरल हो रही है चीज़। श्री भाई अंदर भी बहुत सारे ड्रेसिंग रूम के अंदर भी बहुत सारी जगह होती है कि जहाँ पे जाके बहुत सारे क्रिकेटर्स को मैं जानता हूँ वो स्मोकिंग करते हैं, और जिस वक्त वो खेलते थे उस वक्त भी करते थे, आज भी करते हैं, उनका पर्सनल मैटर है, उनसे हमें ग्राउंड में परफॉर्मेंस चाहिए।
इमाद वसीम की जगह खराब थी जहां पे वो कर रहे थे स्मोकिंग, उस जगह पे तो आप नहीं कर सकते हैं। अगर आपने 5 आउट कर लिए तो हो सकता है वो बहुत ज्यादा रिलैक्स हो गए, क्योंकि ये बहुत बेवकूफी करें इस तरह की चीज पे। देखें आप रोल मॉडल, कैमरे ने भी उनको पकड़ लिया, कैमरामैन भी ऐसे टाइम पे बिल्कुल रेडी बैठा हुआ था मुझे लगा। रोल मॉडल है आप, आपको बच्चे फॉलो करते हैं वहां पे, जो भी लोग टेलीविजन पे देख रहे होंगे, या अगर आप ड्रेसिंग रूम के साथ बहुत सारे स्टैंड है छोटे छोटे बच्चे, अम्माद खड़े में देखो, अम्माद खड़े में, बाबर खड़े में, इस तरीके से लोगों की आवाजें आ रही होती है। तो अम्माद को जब किसी रोल मॉडल को वो स्मोकिंग करता हुआ देखेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि कोई अच्छा इम्पैक्ट जाएगा। तो यही इमाद वसीम साहब कर रहे थे और सूटा लगा रहे थे। तो जनाब उनका निकोटीन टेस्ट और डोप टेस्ट जो है वो होना चाहिए और उसके बाद चीजें जो है वो सामने आनी चाहिए। लेकिन चूंकि इन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के फाइनल के दौरान ये सब कुछ किया, तो इसलिए ये पर्सनल नहीं रहा, अब ये पब्लिक हो चुका है, एक्शन इनके खिलाफ लिया जाएगा। अब ज्यादा से ज्यादा इमाद वसीम को एक मैच का बैन जनाब बर्दाश्त करना पड़ सकता है, वो भी डोमेस्टिक मैच का बैन जो है वो इमाद वसीम के ऊपर लगाया जाएगा। लेकिन अगेन सवाल ये खड़ा होता है कि इमाद वसीम को जनाब ड्रेसिंग रूम के अंदर सिगरेट दिया किसने? सो वो जो कल्प्रेट है उसको पकड़ना चाहिए, और ये चीजें अलाउ कैसे हुई, या फिर ये हो सकता है कि जनाब जो मैनेजमेंट है उसमें से कोई सिगरेट पीता हो और मैडी भाई ने कहा यार 5 विकेट लिया ने, खुशी बड़ी है, अगर आप खुशी डाउन कराने ना अमन सिगरेट तो दे।